हिंद साथियों मैं नहीं जाता आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर में एग्जाम एग्जामपुर कलम से क्रांति दोस्तों इंग्लिश के अंदर मैं आज आपको एक छोटा सा कंसेप्ट सिखाने वाला हूं बहुत ही मजेदार और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी जब इंग्लिश में कुछ क्वेश्चंस किए होंगे तो इस तरह के वर्ड्स जरूर पढ़े होंगे ठीक है यहां पर मैंने आपको चार वर्ड बताए हैं एक तो लिखा हुआ एवरीबडी समबडी नो बडी और एनी बडी तो सेम ऐसे ही चार वर्ड और होते हैं इस तरह के आपके कम से कम बारह वर्ड आप लोगों को मिलते हैं कौन कौन से ऐसे वर्ड्स होते हैं उनका क्या कंसेप्ट होता है पूरा डिटेल में हम लोग समझेंगे वो भी बहुत जल्दी थोड़ा सा फास्ट ठीक है तो मैंने जैसे यहां पर कुछ वर्ड्स लिखे हैं एवरीबडी समी नो बडी एनी ऐसे ऐसे आपके उनको आ, इनको हम लोग इनडेफिनेट प्रोनाउन बोलते हैं ऐसे ऐसे हमारे पास बारह वर्ड होते हैं कौन कौन से होते हैं यहां पर जो चार वर्ड लिखे हैं इन्हीं चार वर्ड में से ये जो लास्ट वाला वर्ड लिखा हुआ है बडी इसको यहां से रिमूव करके इसकी जगह कुछ और लगा देते हैं क्या लगाते हैं जैसे मैंने यहां पर वन लिख दिया है क्या लिख दिया भैया इसी बड़ी की जगह पर मैंने वन लिख दिया ठीक है तो एक वर्ड ये भी हो जाएगा एवरी बड़ी की जगह पर मैंने कर दिया एवरी वन तो यहां से बड़ी हटाओ और वन लगाओ ऐसे यहां पर वन लगा दिया सेम यहां पर आपने वन लगा दिया और ऐसे ही यहां पर वन तो यहां पर चार वर्ड पहले थे चार वर्ड आपको फिर से मिल गए अब इस बार आपको क्या करना है इन दोनों को हटा देना है यहां से बड़ी को भी रिमूव करना है और वन को भी इसकी जगह आपको कुछ और लगाना है आपने ये वर्ड भी कभी ना कभी सुनोगे एवरीथिंग समथिंग नथिंग और एनीथिंग इन बारह वर्ड के लिए क्या कंसेप्ट होता है क्या पॉइंट होता है और क्या चीज आपको सीखनी है वो मैं आपको समझाता हूं ऐसे वर्ड अगर आपको कहीं पर भी मिलते हैं किसी सेंटेंस में लेकिन उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा देखिए अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर एक सेंटेंस मैंने यहां पर लिखा सबसे पहले वहां पर लिखा होता है सब्जेक्ट उसके बाद लिखी होती है एक वर्ब और उसके बाद सेंटेंस के अंदर आती है क्या सेंटेंस के अंदर आता है उस वर्ब का ऑब्जेक्ट ठीक है एक सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है किसी भी सेंटेंस का अगर किसी सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट दिया है इस सब्जेक्ट की जगह पर अगर इन बारह वर्ड में से कोई भी एक वर्ड आपको मिलता है तो वहां पर याद रखना ये जो वर्ब होगी हमारी वर्ब ये हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में यूज की जाएगी बस छोटा सा पॉइंट है लेकिन इंपॉर्टेंट है ठीक है भाई अगर किसी सेंटेंस के अंदर वर्ब यूज करनी है और उसके सब्जेक्ट की जगह पर इन बारह वर्ड में से कोई भी एक वर्ड दिया है और उस सेंटेंस के अंदर आपको वर्ब यूज करनी है तो सिंगुलर फॉर्म में यूज करनी है ये आपका कॉन्सेप्ट है अब इसके लिए आपको छोटी सी पॉइंट एक छोटा सा पॉइंट और सीखना है वो क्या है वो मैं समझाता हूं प्रोनाउंस रिलेटेड ठीक है तो यहां पर टोटल बारह वर्ड के साथ में लिख लेना है कि जो वर्ब यूज करते हैं वर्ब ये हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में यूज की जाती है ठीक है छोटा सा पॉइंट है लेकिन मजेदार है ठीक है बढ़िया तरीके से आराम से समझ सकते हैं और कैसे याद करने हैं देखो बड़ी वन और थिंग चार वर्ड बड़ी वाले हो जाएंगे चार वन वाले और चार थिंग वाले अब एक छोटा सा पॉइंट अगर आप समझना चाहें तो वो ये है कि अगर आपको बड़ी और वन ये दोनों वर्ड मिलते हैं तो इनके साथ जो पजेसिव एडजेक्टिव यूज किया जाता है भाई क्या यूज किया जाता है पजेसिव एडजेक्टिव पजेसिव एडजेक्टिव वो क्या होता है याद रखना जब भी बड़ी और वन वाले वर्ड्स में से कोई भी बड़ा आता है और उसके लिए आपको एक पजेसिव एडजेक्टिव यूज करना है तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ हिज का ही इस्तेमाल करते हैं क्या इस्तेमाल करते हैं भैया हिज का ही यूज करते हैं इसके अलावा और कोई पजेसिव एडजेक्टिव वहां पर यूज नहीं होता है लेकिन अगर बात करें हम थिंग वाले वर्ड्स की जितने भी थिंग वाले वर्ड्स होते हैं तो याद रखना ये हमारे नॉन लिविंग होते हैं कैसे होते हैं नॉन लिविंग और अगर इनके लिए आपको पजेसिव एडजेक्टिव यूज करना हो क्या यूज करना हो एडजेक्टिव तो नॉन लिविंग जो प्रोनाउन होते हैं या नाउन होते हैं उनके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज करना होता है इट्स तो ये चीज भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है भैया एक मैं आपको एग्जांपल देके समझा देता हूं कि अगर इस तरह का क्वेश्चन कहीं पर मिलता है जैसे मान लीजिए किसी ने ऐसे लिख दिया एवरीबॉडी एवरीबॉडी आर आर डूइंग देयर वर्क ठीक है भाई तो अगर एक छोटा सा सेंटेंस अगर हम समझे यहां पर जो सेंटेंस लिखा हुआ है तो एवरीबडी जो है मेरे दोस्त ये आपका सब्जेक्ट हो गया ये आपकी वर्ब हो गई और ये इसका पजेसिव एडजेक्टिव हो गया तो यहां से आपको वर्ब को सिंगुलर फॉर्म में यूज करना है आर की जगह क्या हो जाएगा इज हो जाएगा और यहां पर जो देयर लिखा हुआ है इसको हटा करके हिज कर देना है क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव एवरीबॉडी के लिए क्या आना चाहिए अगर यहीं पर थिंग होता तो यहां पर इट्स देयर और हिज की जगह पर क्या लगा देते इट्स लगा देते तो ये हुआ आपका एक छोटा सा कंसेप्ट जो कि बड़ी वन और थिंग वाला था मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लाइटली मत लेना ऐसे ही कंसेप्ट अगर आपको और ज्यादा सीखने है, पूरी कंप्लीट क्लास अगर आपको अटेंड करनी है तो मेरी क्लासेज अटेंड करिए रेगुलर आप पर यूट्यूब चैनल पर डिफेंस वॉरियर पर भी चलती हैं तो रेगुलर क्लास में आइए आज की क्लास को यही पर समाप्त करते हैं मिलते हैं रेगुलर क्लास में तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद गुड बाय